की तमाम अपडेट को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मिस्टर जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में आज सुनवाई थी आलोक जी और पंकज जी का केस का, जिसका केस नंबर है, पंकज जी का केस नंबर है 6149/2020 और आलोक जी का केस नंबर है 6768/2020। और यहाँ पर जो है जस्टिस अनिल कुमार महोदय को आज उपस्थित होना था, लेकिन किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाया। तो उनका नोटिस भी मैं कोर्ट को आपका दिखा दे रहा हूँ, उसमें कोर्ट का नोटिस में क्या लिखा हुआ है, किस कारण से वो नहीं आ पाए। पटना हाई कोर्ट का नोटिस दोस्तों आप लोगों के सामने मैं पढ़कर सुनाता हूँ क्या इसमें लिखा हुआ है। इस नोटिस में एज डायरेक्टेड प्लीज टेक नोटिस दैट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा विल नॉट होल्ड कोर्ट टुडे। केस लिस्टेड इन टुडे कॉज लिस्ट बिफोर DB2 कंप्राइजिंग ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दिनेश कुमार सिंह एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा, यही जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा का मैं बात कर रहा था, विल स्टैंड ओवर अकॉर्डिंगली। टेट फर्दर नोटिस दैट अर्जेंट मैंशनिंग ऑफ द सिंगल बेंच केस लिस्टेड बिफोर हिज लॉर्डशिप्स बोर्ड मे बी मेड बिफोर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ऑफ द डे। तो यहाँ की जो आज सुनवाई थी, जिसमें आपका जो है जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा जो है जिनके बेंच में सुनवाई थी, पंकज कुमार सिंह का और आलोक कुमार सिंह का, अपरिहार कारणवश जो है वो सुनवाई में उपस्थित नहीं हो पाए, इसलिए सुनवाई की अगली तारीख जो है आपको बता दी जाएगी। और पेपर में क्या खबर दिया हुआ है पटना हाई कोर्ट के रिगार्डिंग, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसा कि पेपर में आप लोग देख सकते हैं, आज का पेपर का है, हिंदुस्तान पेपर का है, लिखा हुआ कि कोर्ट का काम का जो है 20 तक बंद रहेगा, अर्थात 20 जुलाई से पहले जो भी केस लिस्टेड थी, जिसमें आपका आलोक कुमार सिंह का वाईवी गिरी सर के माध्यम से लड़ा जा रहा था केस, और शशांक शेखर का लड़ा जा रहा था, पंकज कुमार सिंह के वो वकील थे, तो इसमें दोनों केस की आज हियरिंग थी और दोनों सीरियल नंबर एक पर थी, लेकिन अपरिहार कारणवश जैसे कि नोटिस में मैंने आपको बताया उसके चलते जो है वहाँ पर जो है आज सुनवाई में उपस्थित नहीं पाए। और यहाँ पर कोर्ट का में जो है काम काज जो है 20 जुलाई तक बंद रखा गया है, सभी का जो है पूरे कोर्ट को परिसर को जो है क्वारंटाइन किया गया है, और उसके बाद सभी का जो है जब तक जो है उन लोगों का कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक जो है अभी सुनवाई की प्रक्रिया जो चल रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभी फिलहाल के लिए उसको रोक लगा दी गई है। तो जैसे ही केस की जो है हियरिंग की जो डेट हम लोग को जैसे ही मिल जाएगी उसके रिगार्डिंग जो अपडेट होगा इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको दे देंगे। तो आप लोग अपना हौसला बुलंद रखें, सुनवाई होगी तो रिजल्ट आना ही है, क्योंकि सभी साक्ष्य हमारे पक्ष में हैं और जो भी है हमारे पक्ष में ही रिजल्ट आने की संभावना है। तो आज अपरिहार कारणवश जो है सुनवाई नहीं हो पाई, सुनवाई की अगली तारीख को आपको सबसे पहले चैनल के माध्यम से अपडेट करा दी जाएगी। आज के लिए इतना ही अपडेट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। जो भी सुनवाई के रिगार्डिंग अपडेट होगा सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट करा दिया जाएगा। जय हिंद।